और दिखा देंगे जा। देखिए या रणवीर कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर टीम। आई एम गेटिंग दैट फीलिंग एंड आई थिंक सो लॉट्स ऑफ सिनेगोर्स मे बी हैविंग दैट फीलिंग कि दिस कुड बी वन ऑफ योर बेस्ट फिल्म इन योर करियर एक्चुअली। कुछ ऐसी फीलिंग आपको भी आती है? आई थिंक सो यू मस्ट हैव एंजॉयड डूइंग दिस फिल्म आल्सो। ऑफ कोर्स, और बहुत जरूरत है फॉर अ बेस्ट फिल्म इन माय करियर। यू नो आई विल बी अमेजिंग इफ दिस फिल्म बिकम्स अ ब्लॉकबस्टर। सो प्लीज गो एंड सी द फिल्म इन अ थिएटर, ऑल ऑफ यू ऑल। Please support the film. Best room का यहीं खत्म मत कर दीजिए यार, अगले महीने और कई फिल्में बनाएंगे इससे बेस्ट। सर रणवीर सर ऑन द सेंटर, रणवीर सर सेंटर में। आपको कैसे पता? दिखाइए, आप भी लाइट बताइएगा अगली बार फिल्म देखने। यार फिल्म देखो प्लीज, मेहरबानी करो। रणवीर सर नहीं, आप प्लीज देखो, आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिल्म देखो, उसमें बहुत मेरी और राजू की भी लव स्टोरी चलती है। आप देखो तो सही यार। रणवीर, द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। वी लिव इन अ डिजिटल एरा वेयर ऑल द एक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, लाइक इफ यू टॉक अबाउट विकी, सोनम, एवरीवन, यू आर नॉट प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, बट अ फेक अकाउंट ऑन योर नेम हैज 1.7 मिलियन फॉलोअर्स। सो डू यू थिंक अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पर रहते तो कहीं ना कहीं फिल्म को प्रमोशन जो होता है, फ्री प्रमोशन एक तरह से जो मिल जाता है, वो और ज़्यादा मिलता? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक फिल्म फिल्म होती है, ट्रेलर जब ट्रेलर आता है देन दैट्स द फिल्म। सोशल मीडिया में मैं आई बी शोइंग माई सेल्फ, नॉट रियली वॉट द फिल्म इज। या ऑफकोर्स यू हैव अ रीच टू अ लार्जर ऑडियंस, बट आई डोंट मिस इट। आई एम फाइन बींग अवे फ्रॉम इट, बट नेवर से नेवर, मे बी टुमारो आई विल कम, बट एज राइट नाउ आई एम हैप्पी बींग अवे फ्रॉम इट। ओके विकी, मेरा सवाल आपसे विकी सर, इट्स रियली गुड टू सी यू। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। विकी सर, विकी कैन यू हियर मी? विकी मेरा सवाल आपसे, राजी के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ फिल्म, एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार, एंड यू आर लुकिंग प्रॉमिसिंग इन द कैरेक्टर ऑफ योर्स। और जैसे कि राजू जी ने कहा कि पूरी की पूरी फिल्म, राजू जी प्लीज अटेंशन ऑन दिस एंड मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, राजू जी ने कहा कि द फिल्म संजू इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप ऑफ अ फ्रेंड एंड अ फादर। डू यू फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड डू यू फील लकी टू get the role of that important role in the film? Of course I do. I feel really blessed ki mujhe ye mauka mila hai. Mujhe yaad hai jab matlab Raju sir ne narration di thi, tab tak mujhe pata nahi tha ki main iska hissa hu ya nahi hu, aur phir narration ke baad maine dar ke mare sir ko pucha tha, to sir ab kya? To sir ne kaha tha, are you're on board, that's why to main narration de raha hu. And that moment I'll never forget in my life, ki jab unhone kaha tha ki you're on board for this film, because like Paresh ji also said ki ye script was, I mean, it's something else, it's really spiritual, and just to be a part of this film, you know, in any capacity is a dream come true for me. Inki agle saal se dates nahi milne wali kisi ko, ye main bata deta hu. Okay Raju ji, aapne nahi mil rahi hai sir, abhi se nahi. Aapne kaha Anushka Sharma ka jo kirdar hai wo meri, matlab aapki aur Vidhu ji ki yaad dilayega, to Sonam aur Diya Mirza inke bare mein kuch example de dijiye taki pata chale ki kya exactly inka kirdar hai. Abhijit Joshi ki yaad dilayenge bhaiya, wo bhi Raju ji, if you can throw some light on Sonam's character. क्या जैसे आपने कहा कि अनुष्का की अगर आप बात करें तो आपकी और विधु की याद दिलाएगा, सोनम के किरदार की मैं बात करना चाहूंगा, तो सोनम के किरदार को कहां, किस 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 करेक्टर की याद होगी और किस किस किरदार में इन्हें डाला? देखिए, सोनम इज प्लेइंग वन ऑफ द गर्लफ्रेंड्स, 308 में से एक, सो बाकी आप स्क्रीन पे देखिए। दिया इज प्लेइंग एक्चुअली मान्यता, संजूज वाइफ। Okay guys, thank you so much. Okay, last question. This is the last question. Yeah. Aap kafi time se pooch rahe hain. Just a second guys. Ma'am. Wahan se. Yeah, last question. Mic is coming to you. Please unka mic on kijiye. Can I answer the question? Hello. No problem. Thank you. जब हम लोग लगेरा और मुन्ना भाई की शूटिंग कंप्लीट कर चुके थे, तब आई थिंक एट दैट टाइम आई हैड गॉटन द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद मान्यता, एंड ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स आई इंटरैक्टेड विद हर। लेसन्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब भी कोई किरदार प्ले करने का मौका मिलता है, द वन थिंग दैट वी होप टू अचीव एज एक्टर्स इज टू बी एबल टू एम्पथाइज विद वॉट दैट कैरेक्टर has experienced, that person has experienced in their real life. And jab Raju sir aur Abhijit jaise log script likhte hain, scenes likhte hain, so that ability to empathize with the reality of the situation increases
मेनी फोल्ड. और आई थिंक पहले दिन से लेके लास्ट डे तक मैं सिर्फ दो चीज़ें अपने आप को याद दिलाती थी कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो क्या होता मेरे साथ. और उसके अलावा ये जो इंसान हैं जिनको ये सारी सिचुएशन से गुजरने पड़े उनके साथ कितनी गहराई से इसको इफ़ेक्ट हुआ होगा और हाउ दैट मस्ट हैव मेड देम रिएक्ट टू द सिचुएशन दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ. रणबीर थank you so much Ranbir, guys Ranbir, one final question okay last Ranbir, slightly yeah. towards your left sir, yeah yeah sir I want to ask a question I can yeah. see you sir Ranbir here yes sir. Ranbir there is a Ranbir if you can hear me here aap puch lo aap puch lo Ranbir there is a scene in the trailer where you've gone nude was that particularly difficult to shoot main to pehle film se nude chala gaya tha jab mera towel gir gaya tha so yeah I'm very shy in my real life But when the camera is on, I'm not shy. You know, I'm portraying a character. So you have to be nude in your emotions and physically. Also, what is the censor certificate that you're looking at getting? This movie? What's the censor certificate? That you're looking at getting for this film. I don't know. Censor certificate, sir? You. For this film? You. You. Okay, guys, thank you so much for all the love and patience. करने दो कब से पूछ रहे हैं? Okay, last question. अच्छा इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है भूषण से इन्होंने सर सो व्हेन यू आर डूइंग दिस मूवी यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम इमोशनल सीन वेयर रियली यू थॉट दैट हाउ कैन दिस गाय मस्ट हैव रियली इन रियल लाइफ ही मस्ट हैव डन सो कहां पर आपने ऐसे छोड़ दिया कि नो आई कांट डू दिस सीन और समथिंग बिकेम वेरी इमोशनल देखिए जब आप एक फिल्म को कमिट करते हो देन इट्स योर जॉब यू कैन नॉट से यू कांट डू इट यू हैव टू मेक इट वर्क और बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं एक्टर्स की लाइफ में कि आज अच्छा दिन नहीं है आज आप अच्छी तरीके से नहीं सोए हो यू नो योर मूड इज़ बैड यू हैड अ फाइट विद समवन बट आई थिंक व्हेन यू कम ऑन सेट यू हैव टू डिलीवर इट्स योर जॉब कभी अच्छा होता है कभी नहीं अच्छा होता कभी आप इतने स्ट्रेस होते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है मैं नहीं कर पाऊंगा बट वो हो जाता है क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ यू बिकॉज वो स्क्रिप्ट में वो बात है जब वो सीन आती है स्क्रीन प्ले में Because of the flow of the screen and of the screenplay and the story, that's why the scene works. So I think actors take a lot of pressure. You just have to deliver to your best of your capabilities and just make it happen. Okay, guys, thank you so much for all the love and thank patience. You. Thank you. Huge round of applause once again for the entire team, Sanju, and a quick photo op.